तो क्या वो अगर आपके माता पिता आपसे कहें कि बेटा क्या पूरा दिन गाने सुनते रहते, जाकर कोई न्यूज चैनल देखो, कुछ जानकारी हासिल करो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, और आप जो उसमें आके अपना टीवी का रिमोट उठाते हो और न्यूज चैनल को ओपन कर लेते हो। अब न्यूज चैनल को ओपन करते हो तो आपको वहाँ पर कुछ इस प्रकार की न्यूज सुनने को मिलती है कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई होगी। अगर वक्त शाम का है तो आपको हर न्यूज चैनल पर एक जैसा ही हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला एकदम प्रोपेगेंडा चलता हुआ मिल जाए, लेकिन आप लोग देखते हो तभी तो उनके टीआरपी आते हैं और इसीलिए वो चीज़ें आगे पुश होती हैं। आपको ये सब देखकर लगता है कि अरे यार यहाँ तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप अपने माता पिता से पूछते हो, पापा आप हर बार पूछते हो कि हम क्लास में कौन से स्थान पर आते हैं, हम फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड, कौन से अभी स्थान पर आ रहे हैं, तो आप ये बताओ कि हमारी जो आपने रिकमेंड किया हमारे लिए इंडियन मीडिया को देखना, वो कौन से नंबर पर आता है। और वहाँ पर आपके पिताजी आपको बोलते हैं कि बेटा जो अभी नई रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक हमारा इंडियन मीडिया 142वें नंबर पर एग्जिट करता है 180 देशों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय सिंह यादव और आप देख रहे हो मेरे चैनल द निर्भय सिंह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे इंडियन मीडिया की रियलिटी के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स आपको दिखाएंगे, कुछ आपको ऐसे फोटोज दिखाएंगे जिनके द्वारा आप ये खुद डिसीजन ले पाओगे कि क्या मैं सच बोल रहा हूँ या फिर नहीं। बता दें कि जब एक बार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पूछा गया कि हमारी इंडियन मीडिया की प्रेजेंट टाइम की रियलिटी क्या है, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आज हमारा देश सेकेंड मोस्ट प्रोड्यूसर है काहे का, वीट का और राइस का, और हम रिमोटिंग सैटेलाइट लॉन्च करने में नंबर वन पर है, लेकिन हमारी इंडियन मीडिया इस चीज़ को कभी हाईलाइट करती नहीं है। हाईलाइट क्या करे, तो उनके पास हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं, तो वो इस चीज़ को हाईलाइट करें क्या करेगी। दोस्तों यहाँ पर एक आपको फोटो देखने को मिलेगी, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि सामिका रवि जी हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक चैट शेयर किया था ट्विटर पर, आप उसको देखिए। दोस्तों ये चार्ट 31 अगस्त 2018 को शेयर किया गया था, इसमें हमारी इंडियन मीडिया की चाइना की मीडिया से कंपैरिजन किया गया था, तो बताया गया था कि हमारी मीडिया चाइना की जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाली मीडिया है उससे भी नीचे जा चुकी है। अब आप एक अल जजीरा का एक आर्टिकल देख लीजिए जो कि हमारी मीडिया के ऊपर लिखा गया था। दोस्तों जब नीति आयोग की रिपोर्ट पब्लिश हुई तो उसमें बताया गया कि 2002 में हमारी इंडियन मीडिया 80 नंबर पर थी, 2010 में हमारी इंडियन मीडिया 110 नंबर पर आ गई, 2012 में 134वें नंबर पर, और 2020 की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया कि हमारी इंडियन मीडिया 142वें नंबर पर एग्जिट करती है। दोस्तों अब इस चीज़ के रीजन के ऊपर बात कर लेते हैं, आखिर ये मीडिया इतनी निगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाती क्यों है। तो सबसे पहले हमें पत्रकार की डेफिनेशन को समझना होगा। आपको बता दें पत्रकार क्या होता है, पत्रकार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पक्ष और विपक्ष के दोनों के मामलों और तथ्यों को 50% रखता है और अपना ओपिनियन दिए बिना ही उस चीज़ का विश्लेषण करता है। एक सच्चा पत्रकार गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करता है अपने मुद्दों को लेकर, देश में क्या हालात बन रहे उस चीज़ को लेकर, लेकिन आज की मीडिया का हाल क्या है, क्वेश्चनिंग तो करना तो दूर, वो उनके सामने बोल भी नहीं पाते। जो बोलते हैं रवीश कुमार जैसे पत्रकार, तो उनके लिए अपना चैनल भी छोड़ना पड़ता है और वो यूट्यूब पर आकर अपना न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करने लगते हैं। दोस्तों 142वें नंबर पर आने के कारण क्या है, आपको इनकी कुछ मैं न्यूज़ बताता हूँ, उन्होंने क्या क्या न्यूज़ पिछले कुछ सालों में चलाई है। आप देखोगे कोरोना टाइम की न्यूज़, तो इन्होंने एक बार न्यूज़ चलाई थी कि कोरोना आंखों से फैल सकता है, लेकिन बाद की रिपोर्ट्स में पता लगा कि कोरोना बस टचिंग से या फिर उसके आसपास के माहौल से फैलता है, आंखों से कोरोना नहीं फैलता है। इन्होंने मोबाइल फोन से भी कोरोना फैलने की बात कही थी और बाद में खुद एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हमने ये बात बोली थी, क्योंकि इन्हें पता होता है कि जो चीज़ आपने बोल दी है वो सब रिकॉर्डेड होती है, लेकिन ये खुद की बातों पर विश्वास नहीं करते, तो किस चीज़ के पत्रकार हैं। मुझे तो लगता है ये पत्रकार से ज़्यादा एक्टर है, इन्होंने एक्टिंग के लाइन में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर लेंगे, इन्हें वहीं पर भेज देना चाहिए। जब नोटबंदी हुई थी तब 2000 का नोट आया था, तो उन्होंने कहा था कि फ्रीजर में रखोगे तो नोट चिप उगलने लगेगा, इसमें माइक्रोचिप लगी हुई है जिससे ये नोट ट्रैक किया जा सकता है। सोच सकते हैं इतने पतले से नोट में चिप कहाँ से लग जाएगी, कहाँ से इंस्टॉल हो जाएगी। फिर उनकी एक न्यूज आती है हेमंत रेशमिया पर एलियन की नजर है कि उनकी गायकी इतनी अच्छी है कि उनके लिए एलियन उठा के ले जाएंगे। तो क्या आप 142 नंबर पे नहीं, आप अगर ऐसे लगे रहे तो आप 180 नंबर
कि बाद में अगर संख्या बढ़ाई जाएगी तो वहां पर भी आप एग्जिट नहीं करोगे,